नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फायरमैन जो ओल्ड पेपर हम सॉल्व करवा रहे थे उसका यह सेकंड पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। 61 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आग बुझाने या नियंत्रण करने के लिए जल की आवश्यक मात्रा को क्या कहा जाता है। जो आग बुझाने में जल की आवश्यक मात्रा होती है उसको हम सी न्यूनतम परिक्लिप्त घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं, यांत्रिक फायर वेंटिलेशन कैसे किया जाता है। जो यांत्रिक फायर वेंटिलेशन पंखे का प्रयोग करके हम कर सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोलिक द्रव से आप क्या समझते हैं। जो हाइड्रोलिक द्रव का मतलब ये है कि जो पानी के अंदर घुलने में या पानी में आसानी से घुल जाए उसको हाइड्रोलिक द्रव कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जल के प्रकार द्रवों में घुलने वाले पदार्थ, आंसर डी हो जाएगा इसका। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्निशमन का पहला चरण क्या है। अग्निशमन का पहला चरण होता है आरंभिक हमला करना, यानी आग को सबसे पहले बुझाना, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे 65 क्वेश्चन की बात करते हैं, एस आई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई को क्या कहा जाता है। जो एस आई प्रणाली के अंदर ऊष्मा की इकाई होती है उसको हम जूल बोलेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं, वल्कनीकृत रबर युक्त आंतरिक लाइन वाला होज होता है। जो वल्कनीकृत रबर युक्त वाला होज होता है उसको हम नॉन परकोलेटिंग होज बोलेंगे। नॉन परकोलेटिंग होज का मतलब होता है जो बिना रेशा वाला होज होता है वह नॉन परकोलेटिंग होज होता है। और बात करते हैं परकोलेटिंग की, ये इसमें रिसाव होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इस वजह से जो परकोलेटिंग होज होते हैं जिसमें रिसाव होज होते हैं उन होज को अब वर्तमान के समय में यूज लेना बंद कर दिया गया है। आगे 67 क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्नि बचाव के अंतर्गत निम्न में से कौन सा डिटेक्टर व्यावसायिक भवनों में मानव जीवन को बचाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। स्मोक डिटेक्टर होता है जो मानव जीवन को व्यावसायिक भवनों में मानव जीवन को बचाता है। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं, बचाव के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टेंडर या परिचारक का तकनीक नाम क्या है। जो परिचारक होता है टेंडर, इनको हम अग्निशमन वाहन भी बोल सकते हैं, उनका तकनीकी नाम होता है आपातकालीन बचाव परिचारक, इसका आंसर सी होने वाला है। आगे 69 क्वेश्चन की बात करते हैं, उन्नत दाब में निम्न में से किसके बीच के उन्नत अंतराल द्वारा निर्मित होता है। जो उन्नत दाब होता है उनके बीच के अंतराल के बारे में पूछ रहा है, यह बीच का अंतराल हो जाएगा, इसका आंसर बी होने वाला है, नोजल और पंप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली से लगने वाली आग का मुख्य कारण है। आग का एक मुख्य कारण है शॉर्ट सर्किट, तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का यह एक मुख्य कारण है। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, पास अग्निशामक के परिचालन की विधि, इसका क्या अर्थ है। जो पास क्या यहाँ पर अर्थ पूछा गया है इस क्वेश्चन में, 71 क्वेश्चन में पास का अर्थ होता है पिन खींचे आग को निचले भाग को लक्षित करें, हैंडल के ऊपर स्थित लीवर को दबाएं और आसपास में घुमाएं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, भवन में आउटलेट क्या होता है। जब किसी कारणवश आपातकाल स्थिति या किसी भवन में बन जाती है तो यह आउटलेट उस समय काम आता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भवन के अंदर आउटलेट वह द्वार होता है जहां से आग की गैसें भवन से बाहर निकलती हैं। जब आग निकलती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं जो आउटलेट के द्वारा भवन से बाहर निकल जाती है। स्वचालित उच्च विस्तारण फोम संस्थापन फोन के आउटपुट को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, अग्निशमक द्वारा किसी विशेष हार्डेंट प्रणाली पर काम करने के लिए अपने साथ ले जाने वाले आवश्यक औजारों तथा फिटिंग को क्या कहा जाता है। जो अग्निशमक होते हैं जो अपने साथ महत्वपूर्ण या आवश्यक औजार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हम हाइड्रेंट गियर बोलते हैं जो अपने साथ अग्निशमक ले जाते हैं। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं, जमनल शील वाष्प को किसी सीमित स्थान से कैसे हटाया जा सकता है। जमनल शील वाष्प को हम परिष्करण करके द्वारा किसी सीमित स्थान से हटा सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाउडर का इस्तेमाल एक ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक मादक के रूप में किसके लिए किया जाता है। एक्सटिंग्यूशर की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं,
वाष्प स्फोटन के लिए किस प्रकार की अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता होती है? यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, वाटर मिस्ट अग्नि सुरक्षा प्रणाली का वहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 79, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है?